भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा का किसान आंदोलन पर बड़ा बयान। अश्विनी शर्मा ने कहा कि आज भी केंद्र का कहना है कि किसानों के हित में कोई बात है तो केंद्र उनको मानने को तैयार है, इससे खुला निमंत्रण किसानों के लिए नहीं हो सकता। अश्विनी शर्मा ने कहा कि बातचीत के लिए किसानों का खुला स्वागत है, लेकिन किसानों की जिद के हिसाब से नहीं बल्कि किसानों के हित पर बातचीत शुरू होनी चाहिए। आज मेरे नाल ही बैठे सी, साडे च कलेश नहीं है, लोकतंत्र है। कई बार जानकारी अधूरी रहती है, जिहड़ियां चीज़ां असी कल कार्यसमिति च बहुत क्लीयर किया, पंजाब यूनिट की सक्रियता का ही परिणाम सी कि केंद्र ने 11 बार किसान यूनियनों नूं सुनिया और उहदे अंदर पंजाब तो मिनिस्टर सोम प्रकाश जी की शमूलीयत सी। पंजाब यूनिट की सक्रियता का ही परिणाम सी कि जैनी जी और ग्रेवाल डेढ़ महीना दिल्ली के अंदर वार्तालाप करान च दे लई बैठे रहे। इस करके पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, लेकिन अनुशासन मेरे लिए भी उन्ना बाकी किसानों का तो डर लोगों का टूटेगा जी, सरकार का तो किसान का हाले तक गलबात लिए केंद्र नहीं आगे आ रहा, किसान भी बड़ा सीधा है, किसानों का स्वागत है गलबात लिए, लेकिन जिद के आधार पर नहीं, किसानों के हित के आधार के उत्ते गलबात शुरू होनी है। मैं ये दसो, जदों केंद्र ने कहता कि कानून लागू नहीं होंगे डेढ़ साल, पांच मैंबरी कमेटी बनावांगे, सर्वसम्मति करांगे, क्या उस दिन अंदोलन समाप्त नहीं होना चाहिए? तुसी सानू जे सवाल करदे हो पत्रकार, उन्हां नूं पुछो कि जे कानून लागू नहीं हो रहे, पांच मैंबरी कमेटी बना रहे हैं, सर्वसम्मति बनाउण दी केंद्र सरकार गल कर रही है, फिर बचिया की, फिर क्यों नहीं उठे? अज भी केंद्र दा कहना किसान दे हित लई कोई भी इन्हां दी मंग है केंद्रों नूं मन्नण नूं तैयार है। इस तो बड़ा खुला निमंत्रण होता है। न्यूज़ के लिए पठानकोट से शमी सनोत्रा की रिपोर्ट।